हरियाणा चुनाव में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया और सभी ने हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा, हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ कात्यायनी का दिन है। माँ कात्यायनी हाथ में कमल लेकर शेर पर विराजमान है, वो हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पवित्र दिन पर हरियाणा में 30वीं बार कमल खिला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हरियाणा के लोगों ने इतिहास रच दिया। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी और प्रमुख नेताओं को राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला है। ये नेता देश भर में मशहूर थे। आज तक हरियाणा में 13 चुनाव हुए हैं और इनमें से 10 में हरियाणा की जनता ने हर 5 साल में सरकार बदल दी। हालांकि हरियाणा के लोगों ने कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है और पहली बार किसी सरकार को मौका दिया गया है। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा, हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में 3री बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं।